हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनसीईआरटी क्लास सिक्स हिस्ट्री चैप्टर नंबर सिक्स न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो इस चैप्टर में हम कुछ नए प्रश्नों और विचारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भगवान गौतम बुद्ध की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, सारनाथ स्तूप के बारे में और कुछ उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें बुद्धिमान भिखारी की कहानी दी गई है उसके बारे में, जैन धर्म के बारे में और कैसे लोग संघ में विहार करते थे, और आखिरी में आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आर रीडिंग। अंगना का स्कूल ट्रिप। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगना वॉज गोइंग टू स्कूल ट्रिप। दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र लास्ट एट नाइट सो टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन टोल्ड द टीचर डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल। तो अंगना जब अपने स्कूल ट्रिप पर निकली थी तो वो पहली बार अंगना स्कूल ट्रिप पर जा रही थी, और इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अंगना को उसकी माँ छोड़ने आई थी और उसने अंगना की टीचर से क्या कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना और साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। तो टीचर्स ने ऐसा ही किया, स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी हम पढ़ते हैं, बुद्ध भगवान की कहानी, द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ एज ऑल्सो नोन एज गौतमा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ ऐसे राजा जो इस समय बहुत शक्तिशाली थे, हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे और गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे, जो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। आगे बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, और वो जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाह रहे थे। द बुद्धा बिलोंग टू टू अ स्मॉल गन नोन एज द साक्य गन एंड वॉज अ क्षत्रिय। तो बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया था। घर के सारे सुखों को त्याग कर वे भ्रमण करते थे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते थे। उसके बाद ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेशन फॉर डेज ऑन एंड अंडर द पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार वेयर द अटेंडेंट एनलाइटमेंट। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। ही देन वेंट द सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनगर। तो जो थे वो क्षत्रिय थे और शाक्य धर्म जो कि एक छोटे से गण से संबंधित थे, युवावस्था में अपने घर के सारे सुखों को छोड़कर उन्होंने भ्रमण करना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे और यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार अपने उपदेश दिए। कुशीनगर में मृत्यु से पहले उनका जो शेष जीवन है, उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में बिता दिया था। यह है सारनाथ स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश, सबसे पहला उपदेश था वो दिया था, और इसी घटना की स्मृति में यहाँ यह स्तूप का निर्माण किया गया था। ये चैप्टर नंबर 11 में हम इस पूरे स्तूप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारनाथ स्तूप है। यस, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव कार्विंग एंड डिजायर्स।
which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha decided this was as thirst or tanha. तो यहाँ पर बताया गया है कि बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि यह जीवन जो है कष्टों और दुख से पूरा भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और जो हमारी लालसाएं होती हैं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती उसके कारण होता है. कभी कभी जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, अक्सर ऐसा होता है, और अधिक हमें वस्तु चाहने की इच्छा रहती है. बुद्ध ने इसे लिप्सा और तृष्णा कहा गया है. तो जो हमारी हर चीज़ को पाने की और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, बुद्ध ने इसको लिप्सा और तृष्णा कहा है. बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम जो होता है अपना कर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं. ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड द रेस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आर एक्शन कॉल्ड कर्मा वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट. द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. तो गौतम बुद्ध ने बताया कि उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों का जीवन भी आदर मतलब उनका जीवन का भी आदर करना, मतलब जो जानवर होते हैं उनके जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी. वे मानते थे कि हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे परिणाम हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, उनका परिणाम हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी वो प्रभावित करते हैं. अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो बाद में हमें उसका प्रभाव अच्छा ही मिलता है. बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की को प्राकृत भाषा में दी है और इससे सामान्य लोगों की भी उनके संदेश को मतलब सामान्य लोगों को भी उनको उनके जो संदेश हैं वो समझ में आ सकें. वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है ये हम आपको क्वेश्चन आंसर्स में बताएंगे. वैसे ये प्राकृत भाषा है, उसकी डिटेल हम आपको क्वेश्चन आंसर्स में देंगे. ही ऑल्सो एनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड. लेट अस सी हाउ ही डिड दिस. बुद्ध ने कहा कि लोग जो हैं वो किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि यह उनके उपदेश हैं, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापते हैं. आओ देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार कहा है. तो आगे हमारी एक स्टोरी है जिसमें है किस्सा गौतमी की एक कहानी है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी. हियर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा. वंस देयर वॉज अ वुमेन नेम्ड किस्सा गौतमी हूज सन हैड डाइड. शी वॉज मैं बता देती हूँ इसकी एक स्टोरी क्या है. यह जो बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, ये उस समय की बात है जब किस्सा गौतमी नामक स्त्री का पुत्र मर गया था. इस बात से वह बहुत दुखी थी कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की तरफ सड़कों पर इधर उधर घूम रही थी, प्रार्थना कर रही थी लोगों से कि उसके पुत्र को जीवित कर दे, कोई मदद करे. एक भला व्यक्ति था, उसे बुद्ध के पास ले गया. तो बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा. किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही बीज लेने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो. तो वो समझाने के लिए कि जो आया है वो जाएगा ज़रूर, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है. तो उन्होंने इस तरीके से उससे कहा. किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, भाई, बहन और पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई है. तो बुद्ध बहुत ही दुखी माँ को क्या शिक्षा देना का प्रयास कर रहे थे कि जो आया है उसका अंत निश्चित है. आगे यहाँ पर उपनिषद के बारे में, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर अदर थिंकर ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चन. सम ऑफ देम वॉन्टेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, अदर्स वॉन्टेड टू नो वाई सेक्रीफाइस शुड बी परफॉर्म्ड. मैनी ऑफ दीज थिंग्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द
Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both Atma and the Brahman were one. तो यहाँ पर क्या बताया, उपनिषद क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ, उपनिषद होते हैं जिसमें जो शिष्य होते हैं वो गुरु के समय बैठते हैं और उनके उपदेशों को सुनते हैं और समझते हैं और उनका पालन करते हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले जो दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन परिश्रम जो प्रश्न है उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने चाह रहे थे जबकि अन्य जो यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचार, many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. तो ऐसे कई विचार जो हैं वो उपनिषदों में उनको दिखाया गया है, लिखे गए हैं वो, और वो वैदिक जो धर्म हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका हिस्सा हैं। उपनिषदों का धार्मिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और इन ग्रंथों में अध्यापक जो हैं वो विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन करते हैं, बातचीत करते हैं। प्रायः वे उनके जो विचार हैं वो सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रयुक्त होते हैं, मीन्स आपस में बातचीत करते हैं और अपने उपदेशों को समझाने का प्रयास करते हैं। आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, सिक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन की छह पद्धतियां जिन्हें षड दर्शन कहा गया है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व छह दर्शन ये जो शाखाएं उन्होंने किया है, दीज आर नोन एज, ये कहलाती हैं वैशिक्य, न्याय, सांख्यिक और योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है इसे। दर्शन की ये छह पद्धतियाँ हैं जिनकी स्थापना क्रमशः ऋषि किसने की थी, ऋषि कौन से हैं ये, कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई है ये माना जाता है, और जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा के को जो दर्शा रहे हैं। और जर्मन मूल के ब्रिटिश भरतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की ये छह जो शाखाएं हैं उनका विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों से मतलब योगदान हुआ था उनका, और यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न रहते हैं तब भी सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है, बिल्कुल एकदम ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे पेज नंबर यहाँ पर 60 पर ये एक बहुत ही वाइज बैगर की कहानी है, द वाइज बैगर, बुद्धिमान भिखारी की एक स्टोरी है जो कि छंदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है जिसमें शौनक और शौनक और अभिप्रतारिण नाम के दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे थे, और एक बार जैसे ही वे जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे एक भिखारी वहाँ पर आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं विद्वान। प्रतारिण ने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की हम उपासना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओह इसका क्या मतलब है, आप यह जानते हैं कि यह जो सार्वभौम आत्मा है वो संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम सब जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है, मतलब भोजन लेने के लिए, क्योंकि ऋषियों ने मना कर दिया था। तो इस तरीके से उसने समझाना चाहा, मैं कौन हूँ, मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। तो भिखारी ने भोजन पाने के लिए
ऋषियों को इस तरीके से मना लिया। सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। मोस्ट उपनिषेधक थिंकर्स वर मैन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले जो अधिकांश पुरुष थे वो ब्राह्मण और राजा होते थे, और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, एंड हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जाबाली। He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama and become one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinkers Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. Satyakam ke man mein सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण जो थे उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया, और वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य द्वारा किया गया, और जिसके बारे में हम चैप्टर क्लास नंबर 7 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर जैनिज्म जैन धर्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज 2500 ईयर्स अगो। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छवी, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द विजी संघा, अबाउट विच You read in chapter number 5, at the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. तो इस युग में जो कि 2500 लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। वह विज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ में के विषय में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ही थॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ द अहिंसा। तो उनकी शिक्षा जो थी वो बिल्कुल सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष जो थे वो अपना घर छोड़ देने चाहते थे, और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना बहुत अच्छा लगता था। अर्थात तो किसी के जीव को नष्ट वो नहीं करते थे, और न ही उनकी हत्या करते थे। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। इसके बाद फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनस हैड टू लीड वेरी सिंपल लाइफ लिव्स बेगिंग द फूड। जैसे जैन नाम से ही जाने गए महावीर जो थे उनके अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। वह चोरी न करने
कि उन्हें सख्त हिदायत थी, मतलब वो चोरी ना करें। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन, यहाँ पर है जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जीतना, कॉन्कर। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ पर विजय प्राप्त की थी, और ऐसे ही अपने जो उनके फॉलोवर्स थे उनको भी यही शिक्षा दी थी कि वो जीवों की मतलब अहिंसा धर्म का पालन करें, जीवों की हत्या ना करें और सुख से जिए, सुख से जीने दें। अधिकांश व्यक्तियों के लिए तो क्या था, कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, और फिर भी हजारों व्यक्तियों ने कई ऐसी जीवन शैलियों को जानना और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई जो हैं वो अपने घर पर ही रहे, और भिक्कुणी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, मुख्यतः व्यापारी जो थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अंततः कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। महावीर तक तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। हम इसमें मैप नंबर 105 पेज पर देख सकते हैं। द संघा, यहाँ पर संघ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लोग अपने घरों को त्याग कर एक साथ रहते थे। Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. Mahavir तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहा करते थे। संघ में रहने वाले जो बौद्ध थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनके लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से जो है अर्थ है उसका, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यस, मैन एंड वुमेन हु ज्वाइंड द संघा लेड सिंपल लाइव्स। दे मेडिटेटेड द फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। दैट इज व्हाई दे वर नोन एज भिक्षुस, द प्राकृत वर्ड फॉर बैगर। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष जो थे वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, और दिन में एक निश्चित समय वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठक भी किया करते थे। और संघ में प्रवेश लेने वालों में जो थे, वाले जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं जो थी वो दास उसमें शामिल थे। और उनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है, तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं के बारे में, मतलब सुंदर कविताओं के रूप में उसकी रचना की है। यहाँ पर ये जो पिक्चर गिवन है, ये वाली पिक्चर, ये पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा है, और ये वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। यह कार्ले गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इसमें शरण लेकर इसमें ध्यान मतलब लगाते थे, बैठते थे यहाँ पर। तो है यहाँ पर मोनेस्ट्रीज विहार। To begin with, both Jainism and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in
time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for the for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. तो यहाँ पर जो जैन धर्म है, जैन और जो बुद्ध भिक्षु थे, वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर उपदेश दिया करते थे. केवल वर्षा ऋतु में जब यहाँ पर यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे. ऐसे समय में वे अपने अनुयायी द्वारा, मतलब जो गार्डन्स होते थे, उद्यान होते थे, उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अपना अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकृति की जो गुफा होती है उनमें रहते थे. जैसे जैसे समय बीतता गया, सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्कर्स एंड नंस एंड दे देमसेल्फ फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड. दीज आर नोन एज विहारास. तो जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु और भिक्षुणी ने जो थी वो उन्होंने स्वयं तथा अपने आप को स्वयं और अपने समर्थकों ने उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणा स्थल थे उनकी आवश्यकता. उनको अनुभव हुई कि हमें बहुत ज़रूरी है अब. तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, और आरंभ में जो है विहार बनाए गए थे. और बाद में क्या हुआ, आरंभ में जो विहार थे वो लकड़ी के बनाए गए, और बाद में उनका निर्माण ईंटों का प्रयोग करके किया गया. पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ी को खोदकर बनाए गए थे. तो यहाँ पर दिया है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लॉस देयर नेम्स एंड द सेपरेटनेस व्हेन दे फॉलो इनटू द माइटी ओशियन, सो आर वर्ण एंड रैंक्स आर फैमिली फॉरगॉटन विद व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा जॉइन टू ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स. जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुकों की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं. तो वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ड वॉज डोनेटेड बाई द रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर और द किंग. और प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी जो होता है, जो भूमि का स्वामी होता है, द्वारा ध्यान की गई भूमि पर विहार का निर्माण होता है. स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे. आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया. चैप्टर नंबर 9 में इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. आगे है हमारा यहाँ पर द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, आश्रम व्यवस्था. अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम. हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव्ड एंड मेडिटेट. इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. फोर आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड समन्वय. तो यहाँ पर जो दिया गया है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया. यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान रखने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से ही नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की गई. ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था. वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में विहार करना और जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना होता था. आश्रम व्यवस्था ने गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था. वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, और सब कुछ त्याग कर सन्यासी वो बन जाते थे. आश्रम व्यवस्था जो थी
आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया है। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।